अभी अभी मनीष सिसोदिया जी दिल्ली सरकार के तरफ से जो टर्मिनल एग्जामिनेशंस नहीं होने का दिल्ली स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो अनाउंसमेंट किए हैं उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के तरफ से हम लोग स्वागत करते हैं। बट उसके साथ साथ हम लोग ये भी उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि इस खाली अनाउंसमेंट कर देने से नहीं होगा। यूजीसी का जो अनाउंसमेंट है उस अनाउंसमेंट को बदलना पड़ेगा। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हाँ डिसाइड तो कर सकते हैं, और खाली दिल्ली स्टेट नहीं और भी बहुत सारे स्टेट, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, बहुत सारे स्टेट्स पहले से ही ये अनाउंसमेंट कर चुके हैं। बट अभी भी जरूरी है 6 तारीख के अनाउंसमेंट के बाद कि जरूरी है कि यूजीसी ये अनाउंसमेंट करे कि किस प्रक्रिया से हम लोग टर्मिनल ईयर स्टूडेंट्स को डिग्री दे सकते हैं। क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे आने वाले दिन में कोर्ट केस, लीगल केस और दिल्ली के स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के डिग्रीज क्वेश्चनेबल हो जाएंगे, ये भी हम लोग नहीं चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर को अरविंद केजरीवाल जी चिट्ठी लिखेंगे, ये भी इसी अनाउंसमेंट में बोला गया। बट हम लोग बोलेंगे कि बढ़िया कि प्राइम मिनिस्टर्स को चिट्ठी लिखेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ने अभी हाल ही में हम लोग ऐसे चिट्ठी लिखे हैं मोदी जी के लिए, और हमारा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि बिना एग्जामिनेशन का पास परफॉर्मेंस और इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे ये अनाउंसमेंट खाली स्टेट गवर्नमेंट्स ना करें, यूजीसी एमएचआरडी भी अनाउंसमेंट करें। हर यूनिवर्सिटी को बोला जाए कि अपने सिस्टम इवैल्यूएट करते हुए, असेस करते हुए, बिना ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड छोड़ के पुराने सिस्टम में, मतलब पुराने मार्क्स के बेसिस पे जो छात्रों ने परफॉर्म किया है उसके बेसिस पे उनको डिग्री दिया जाए। इसके साथ साथ हम लोग ये भी बोलेंगे दिल्ली सरकार को, ठीक है इस इशू में देरी से ही आप लोग आगे बढ़े हो, बट दिल्ली विश्वविद्यालय के जो 12 दिल्ली गवर्नमेंट कॉलेजेस को आप लोग सैलरी नहीं दे रहे हो, जिसके कारण टीचर्स और कर्मचारी आज के दिन में 2.5 महीने के ऊपर से पेमेंट नहीं मिल रहा है, सैलरी नहीं मिल रहा है, मेडिकल बिल नहीं मिल रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान दे और तुरंत ग्रांट रिलीज करे।